सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार बाबर मंजूर दुग्गल जनरल सेक्रेटरी राणा इमरान रियासत की कॉल पर पूरे जिला में ये वकला का आज दूसरे रोज भी अदालती बाइकाट किया गया, जिसकी वजह से कोई भी वकील अदालतों में पेश ना हुआ। सीनियर वकील अब्दुल्ला खां का मेलसी में वकालतनामा ना लेने और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हतक अमेज रवैये के खिलाफ पूरे जिले में जारी वकला की मुकम्मल हड़ताल दूसरे रोज भी कर दी गई, जिसकी वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सदर बाबर मंजूर दुग्गल ने कहा कि किसी भी जज की बदतमीजी बद अखलाकी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी करप्ट जज को यहाँ नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों अदालती भर्तियों में बदतरीन करप्शन की गई, क्या इसके अलावा हमारे ज़िले में टैलेंट ही नहीं है जो दूसरे अजला से भर्ती की गई। सीनियर वकील अब्दुल्ला खां के साथ बदसलूकी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। अब उन्होंने दायर की गई डायरी भी बंद कर दी है, जो क्लर्कों का मुआशी कत्ल है और इन क्लर्कों को बेरोजगार कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट ने मजकूरा जजेस को विहाड़ी से तबादला ना किया तो हम अंतहाई कदम उठाते हुए अदालतों की तालाबंदी करेंगे और दिन 11 बजे तमाम अदालतों को ताले लगा देंगे। हमारे साथ यकजहती करते हुए ना सिर्फ बुरेवाला मेलसी बार बल्कि 30 शहरों के बार्स ने भी आज अदालतों का बाइकाट किया हुआ है। अगर इन जजेस का फिल फॉर तबादला ना किया गया तो हम अंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। हमारे लिए हमारे वकला की इज्जत सबसे पहले है, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। जी सदर बार सदर डिस्ट्रिक्ट बार बाबर मंजूर दुग्गल साहब ने कहा कि कल हमारा हाउस का इजलास हुआ, जिसमें तीनों तहसीलों के सदर और सेक्रेटरीज और दोनों मेंबर पंजाब बाज ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और पूरे हाउस ने यह फैसला किया कि जब तक ये साइको जज जो मेंटली अपसेट है और ये विहाड़ी पे मुसल्लत कर दिया गया है, जब तक इसका तबादला, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब तक इसको डिसमिस फ्राम सर्विस ना किया जाए, हम अपनी हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ऐसे करप्ट आदमी की इस ज़िले में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में कहीं भी जगह नहीं है। हम जब कैबिनेट हमारी बनी थी, हमने ये कहा था कि हम अदारों की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे, लेकिन हम अपनी इज़्ज़त और एहतराम करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। हमने हमेशा अदारों की इज़्ज़त की, इसका मतलब ये नहीं कि ये कम्युनिटी अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना चाहती या करवाना नहीं जानती। हम जोरे बाजू पर भी अपनी इज़्ज़त करवाना जानते हैं और आज 11 बजे हम ये बताएँगे कि लाहौर फैसलाबाद में दायरी हो सकती है तो विहाड़ी में क्यों नहीं हो सकती। इसको आज बताएँगे कि 11 बजे हमने दायरी भी करवानी है और इसको ये भी बताएँगे कि विहाड़ी वाले इज़्ज़त देना भी जानते हैं और जब अपनी आई पे आ जाएं तो गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालना भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्त, मेरी तमाम बार के वकला साहबान, जूनियर सीनियर सब दोस्त, हम दायरी के इशू में सेशन कोर्ट जाएंगे और हम देखेंगे कौन दायरी नहीं करता और किस तरह हड़ताल के दिन दायरी बंद की जाती है। अगर कोई रिटर्न आर्डर है तो वो हमें दिखाया जाए।